अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये तो वैसे मेरा रमज़ान का पहला ऑर्डर था। रमज़ान में वैसे ऑर्डर्स बहुत ही कम आए, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रमज़ान में ऑर्डर्स कम आए, वरना अमूमन रमज़ान में ऑर्डर्स आ जाते हैं। लेकिन खैर, अभी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 17वां रोज़ा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब तक मेरे पास सिर्फ 3 से 4 ऑर्डर्स ही आए हैं। तो अच्छा, इस केक की डिटेल आप लोगों को थोड़ी सी बताती चलूँ। बेसिकली ये वो केक है जिसके बारे में मैं सोचती थी कि कभी इसका ऑर्डर आएगा तो मैं ये ज़रूर बनाऊंगी, और अगर नहीं आया तो मैं अपनी एनिवर्सरी पे बनाऊंगी। और आप यकीन करें, मेरी 30 मार्च को एनिवर्सरी है और ये केक मेरे ख्याल से मेरी एनिवर्सरी से कोई 10 दिन पहले ऑर्डर का आ ही गया। तो खैर, अब तो बनाना बनता ही नहीं है अपनी एनिवर्सरी के लिए। वैसे भी मैं घर के केक बनाते हुए बहुत सुस्त और घायल हो जाती हूँ, और ऑर्डर का केक अगर अर्जेंट भी आ जाता है तो मैं बड़ी खुशी खुशी बनाती हूँ। एक तो मैं केक खा नहीं सकती क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। सेकंड ये कि घर के लिए केक बनाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और बाकी काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो छोड़ो, क्या ज़रूरत है बनाने की। हमने खाना कौन सा होता है, केक देख देख के ही इतना पेट भर चुका है। अच्छा, यहाँ आप सोच रहे हैं कि ये जो केक की पिक्चर मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई है स्टार्ट में, ये उसके टॉपर से, तो ये गोल गोल अंडे क्यों बन रहे हैं? तो यकीनन मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी जब ये अंडे बना रही थी, लेकिन इन अंडों की कहानी आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले आप लोगों को दिखाती हूँ एक नई जुगाड़। सिलिकॉन ये वाला हार्ट मोल्ड तो अक्सर लोग बेकर्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करते हुए ना एक टेंशन रहती है कि ये हम नॉर्मली तो अगर केक पे लगाना है तो बड़ा आसान होता है, लेकिन इसमें स्टिक इंसर्ट करना मेरे जैसे बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा डबल टॉपर्स बना के उसके सेंटर में स्टिक इंसर्ट करती हूँ, तो उससे टॉपर का शेप लूज़ नहीं होता। पहले जब मैं ये बना रही थी तो मैंने पहले नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं फिल किया, और उसके बाद मैं इसमें शासली टूथपिक इंसर्ट कर रही थी, तो पूरा शेप आउट हो रहा था। वैसे भी ये 3D होता है और ये इतना ज़्यादा इसका शेप प्रोमिनेंट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मली हम 2D रॉबर्स बनाते हैं। फिर एकदम ख्याल आया, क्यों ना डायरेक्ट इसके अंदर कहीं हैक देखी थी मैंने कि अगर हम इसमें टूथपिक बॉल बना के ऐड करें देन फिर इसको शेप दें, तो उससे ये बहुत आराम से निकल आएगा और इसका शेप भी लूज़ नहीं होगा। तो ये आप सब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ये बहुत ही आराम से बन गए थे और इसको फिर हमें दोबारा कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अदरवाइज़ जब मैं इसमें स्टिक इंसर्ट कर रही थी तो इसका शेप इतना आउट हो जाता था कि मुझे उसे प्रॉपर शेप देना पड़ता था। वैसे ही 3D हार्ट्स जो हैं वो नॉर्मल के कंपेरिजन, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, तो ये जो केक है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग मेरे चैनल पे 1-2 दिन में इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। वो टॉपर्स के अटैचमेंट का है। मैं एक साथ वीडियो क्यों नहीं बनाती, मसला ये होता है कि इतनी लंबी वीडियोस होती हैं, लोग फिर प्रॉपर नहीं देख पाते, और फिर उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मुझे फील होता है कि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मुझे ख्याल आता है कि लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखी ही नहीं होगी। इसी वजह से मजबूरन मुझे 2 पार्ट में वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप रहे और आप लोगों तक सारी नॉलेज जो मैं अपनी वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ वो आसानी से पहुँच सके, क्योंकि किसी के पास भी मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं होता कि वो हमारी 20-20 मिनट की वीडियो बैठ के देखे, जिसमें बार बार रिपीटेडली चीज़ें ऑलमोस्ट वही होती हैं, लेकिन चंद ट्रिक्स और टिप्स जो हैं वो हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी होती है कि जो हमें पूरी देखनी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि टॉपर्स की और अटैचमेंट की अलहदा बनाऊँ। अब बारी आती है जी ये जो गोल गोल अंडे बनाए थे इसकी, जो आप केक के ऊपर फ्लावर्स देख रहे थे छोटे छोटे, बेसिकली वो कलियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, मैं नॉर्मली जो फ्लावर्स बनाती हूँ वो तो हम बनाते हैं सिंगल पेटल्स से। आप लोगों ने अक्सर वीडियोज़ देखी होंगी कि जिसमें सिंगल पेटल्स को ज्वाइन किया जाता है देन फिर उसको शेप दिया जाता है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बनाती हूँ 3D फ्लावर्स, लेकिन उसकी मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगी कि वो 3D फ्लावर्स बेसिकली बनते कैसे हैं। वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये वाला जो ट्यूटोरियल है मैंने अक्सर लोगों को ये रोज़ इस मेथड से बनाते हुए देखा है। इवन ये तो बहुत छोटे हैं क्योंकि उस केक में लगे हुए छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स भी लाइक अगर 2 से 3 भी पूरे केक के ऊपर कवर करने के लिए लोग बनाएं तो भी ये मेथड यूज़ करते हैं। मैंने खैर कभी ये मेथड यूज़ नहीं किया। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो पेटल्स हैं वो प्रॉपर्ली खुले खुले नहीं होते, लाइक एक फ्लावर होता है जो काफ़ी हद तक खिला हुआ होता है, इस मेथड से वो नहीं होता। लेकिन चूंकि इस केक में मुझे खिले हुए फ्लावर्स चाहिए ही नहीं थे, पहले मैंने सोचा कि पतली पतली स्ट्रिप कट करके उनको रोल करूँगी, लेकिन उससे कोई शेप नहीं आ रहा था, बल्कि वो ऐसे लग रहा था कि सिर्फ रोल है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये जो मेथड है जो नॉर्मली लोगों को हमने बड़े फ्लावर्स में करते हुए देखा वो ट्राई किया जाए, क्योंकि उसका शेप और इसका शेप ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत सिंपल मेथड है। अच्छा, जब हम बड़े फ्लावर्स बनाते हैं ना बड़े साइज़ के, तो उसमें फिर ये होता है कि ये तो मैंने खैर राउंड कटर बहुत छोटा लिया है, उसमें बड़ा राउंड कटर होता है और उसके जो पेटल्स हैं यानी कि जो गोल सर्कल्स हमने यूज़ किए
वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये तो सिर्फ 3 थे और इसमें भी मेरा काम चल गया था। अच्छा, इस केक में इतना ज़्यादा फाउंडेंट वर्क हो चुका था, मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि एक तो 3D फ्लावर्स हैवी थे, दूसरा ये फ्लावर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो केक का वेट यूँ समझे आधा पाउंड बढ़ गया था और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैं खुद पहली बार ये बना रही थी। बाकी इस केक की जो वीडियो है अटैचमेंट की, वो इंशाल्लाह आप लोग जब चैनल पे देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये केक की अटैचमेंट किस तरीके की है। और सब फाउंडेंट में लाजमी टाइलूस पाउडर ऐड करें, क्योंकि मौसम अब गर्म आ रहा है, इसमें टॉपर्स ड्राई नहीं होते, इवन फाउंडेंट भी स्टेबल नहीं होती। तो कोशिश करें कि फाउंडेंट को अगर आपने टॉपर्स बनाने हैं तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले उसके अंदर टाइलूस पाउडर ऐड करें। अगर आप ताज़ी फाउंडेंट यूज़ कर रहे हैं देन टॉपर्स 1 दिन पहले बना के रखें और फिर नेक्स्ट डे उसको चिल केक के ऊपर प्रॉपर अटैच करें। इससे आपके टॉपर्स कभी स्लिप नहीं होंगे और जो आपके फाउंडेंट टॉपर्स हैं वो स्टेबल रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट अटैचमेंट वाली वीडियो में। यहाँ सारे टॉपर्स आपके सामने हाजिर हैं, अब इनका लुक जो फाइनल है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो समटाइम लोग मिस कर देते हैं, तो फिर मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई। अब मुझे दीजिए इजाज़त, उस वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।